पे मैंने बहुत चॉपिंग की वुड आ, मैंने बहुत सारा फॉरेस्ट ऑलमोस्ट उड़ा चुका हूँ ऑलमोस्ट फॉरेस्ट उड़ा चुका हूँ मैं पर, देख ले तो मैं मैं जिस चेस्ट के अंदर वो ना लॉग रखने वाला वो देख लो भाई ले बेड उठा लो मैंने इतना लॉग जमा किया अभी तक पूरा चेस्ट भरने वाला है लास्ट चेस्ट पूरा लॉग से भर दूंगा मैं फ़िलहाल के लिए मैं पेड़ काट काट के तंग आ च गया हूँ मतलब एक तरह से थक गया हूँ तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ अभी ये सब चीज़ें को अंदर रखूँगा और थोड़ा एक्सप्लोर करने जाऊँगा इस फॉरेस्ट में जाऊंगा एक्सप्लोर करने वो वाली साइड सामने वाली ये वाली साइड पे जाऊंगा मैं क्योंकि मैंने देखा नहीं है पहले तो मैंने सोचा था कि ये पूरी ये जितना है मैं पूरा पूरा फॉरेस्ट बढ़ा दूंगा पर जब मैंने आगे ट्रैवल किया तब पता चला ये बहुत लंबा है लंबा फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा आगे तक एक तरह का बड़ा बायो में ये फॉरेस्ट है स्प्रूस का भी बड़ा बायो में छोटा सा नहीं है बहुत बड़ा है और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मरते मरते गया देख सकता है हाफ हेल्थ पे रह चुका हूँ उतना ऊपर से नीचे गिरा इसलिए हमेशा नीचे देख के चलना चाहिए <laughs> पर मैं नीचे देख के नहीं चला और में से मेरे मेरे इन्वेंटर में पिक एक्स भी नहीं ना आए ना कुछ भी नहीं है ब्लॉक्स भी नहीं है तो मेरे को पंच मारते मारते आना पड़ेगा ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर है कभी तो कुछ नहीं कर सकता भाई पंच मारते ही आना पड़ेगा तब सब पंच मार के ऊपर जाना पड़ेगा टनल बना के ऊपर जाऊंगा पंच मारते मारते इसे एक सबक तो मिल गया क्या हमेशा नीचे नीचे देखने का और एक पिक एक जरूर रखने का साथ में और थोड़े ब्लॉक्स भी और ये शायद आखिरी ब्लॉक है इसके ऊपर डर्ट आ गया है अपने मैं दस मिनट से पंच मार रहा हूँ और आखिर में आ गया ऊपर और रात हो रही है ये अच्छा है क्या मोड़ और रानी गेम में नहीं है अब बता दूँ रानी कौन है तो उसने अफकोर्स अपना चैनल का नाम बदल दिया है गेमिंग विथ वी रखा है तो मैं तो टेक नाइन नहीं बोल सकता उसको वी से क्या रखूँ वर्जिन बॉय <laughs> तो मुझे उसका नाम ले रहा हूँ मैं रानी मैं यूजुअली उसे रानी बोलता हूँ तो मैं उसे रानी बोलूँगा गेमिंग विथ वी रखा है भाई क्या कर सकते चैनल बदल दिया मेरा प्री रिकॉर्डेड है मैं शायद तो पहले भी बोला मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ मैंने रिकॉर्ड करके रखा है मैंने तो एक्चुअली अभी बताऊँ तो ये रिकॉर्ड मैंने बहुत पहले किया था तो मेरे को बहुत कुछ मतलब है डूँ मैं समझ आना कह सकता हूँ यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा वैसे मैं दूर दूर जाके जा देखना चाहता हूँ कि आगे एक्चुअली है क्या कोई अच्छा मिल जाए तो सही है तो हम लोग प्रूस फॉरेस्ट से तो निकल चुके आगे आगे और यहाँ पे माउंटेन बायो में लगता है माउंटेन बायो रहा है उस तरफ स्प्रूस है और आगे माउंटेन है और सामने हमने को एक विलेज मिल है जो कि सही है भाई ये खड्डा है यहाँ पे विलेज के अंदर अच्छा खासा लूट मिल जाए तो मेरे को मज़ा आ जाए मैं सारे हेवेल्स ले जाऊंगा मेरे को बिल्ले छह टीम करना अपन मैं कहना पहले मैंने मार्क कर लेता हूँ मैंने बेड लगा के क्योंकि पिछली बार मैं आयरन गुलाम से मर गया था बहुत फनी चीज़ थी वो वो एक्चुअली बताऊ मैं शायद बताया नहीं हूँ मैं विलेज को जब लेके आ रहा था तो आयरन गुलाम मेरे को जैसे मैंने बोला था ना पिछले वीडियो के अंदर कि मेरे पास आयरन की कमी आ गई थी एक्चुअली क्योंकि एक मैंने मोड uh, के साथ ट्रेड मारा था आयन की कमी आ गई मेरे पास तो मैंने क्या किया मैंने मेरा हाई लेवल का आईक्यू की मैंने सोचा गुलाम को मार देता हूँ तो थोड़ा आयन मिलेगा वन पोपट मेरा हो गया उसने मेरे को ही मार दिया मैंने बैड भी नहीं लगाया था मेरे को स्पॉन से तेज़ भागते हुए आना पड़ा मैं सोचा डिस्पोन हो जाएगा डिस्पोन हो जाएगा मेरे पास आयन इस बार आयन के टूल्स भी मतलब डायमंड के टूल्स भी लेके आया था तो, तो भाग के आना पड़ा बहुत तेज़ मैं स्टोन कटर ले जा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा बहुत फ्यूचर में मेरे को फ्यूचर में मेरे को बहुत काम आएगा अफकॉर्स पिक्स नहीं है इसलिए तो छोड़ना पड़ेगा पर शायद मैंने रखा है मेरे बेस के पास स्टोन कटर तो सही है हमने सारे ही बेल चुरा लेंगे घर में से एप्पल्स ये एप्पल्स हमने को चाहिए क्योंकि हमें गोल्डन एप्पल बनाना है फ्यूचर में बनाएंगे गोल्डन एप्पल क्योंकि हमने को फ्यूचर में गोल्ड फार्म भी बनाएंगे अपने नैत्र में जरूर बनाएंगे गोल्ड फार्म सो so, अपने आ, 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 और सीधा गए वापस स्प्रूस आ गया है सो so, स्प्रूस फॉरेस्ट बहुत है इसी जाए इतना नोटिस किया वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े फ्रूस फॉरेस्ट जिसमें शायद वीडियो के बोलता था कुछ वाइल्ड के शुगर के ना चार ब्लॉक से ऊपर ग्रो होते नहीं मालूम क्यों पर अपने जब उगाने के हार्वेस्ट करना मतलब आर्टिफिशियल लगाते हैं ना तो तीन तीन ब्लॉक ही होता है ना शुगर किन का चार जाता है नहीं तीन जाता है ये तीन ही जाता है अपना शुगर किन का तो ये सीन ही यहाँ मैंने लूट क्या लिया है वो देख लेते ये ज़्यादा कुछ ना बुक्स वक्स उठा लेकर भी काम आएगा मेरे को फ्यूचर में ये माउंटेन रेंज बहुत खतरी है वहाँ पर रास्ते में बहुत सही सही जगह दिखाया देखो राइट में एक मस्त खुला जगह है वहाँ पे अपने बेड बेस बना सकते हैं तो हर हर एक बार में थो, एक छोटा थोड़ा सा छोटा बेस बना दूँगा ऐसा सोच रहा हूँ खड्डे का ध्यान रखो भाई केव जनरेशन तो देखो भाई क्या खतरे केव जनरेशन थी वो देखो केव जनरेशन देखो ऐसा ऐसा लगता नहीं कि आ, 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 है कि नेचुरल ऐसा लगता है आर्टिफिशियल बनाया कि बहुत खतरी जनरेशन है मेरे को ऐसे जनरेशन बहुत पसंद है हॉबिट हो बनाने के लिए हॉबिट होल हूँ फ्यूचर में बना सकते हैं हॉबिट होल मोस्ट ऑफ चीज़ में मैं एक एक चीज़ का गारंटी ले सकता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट का कर चालू करूँगा ना उसके ठीक है वापस मिले मिले हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा ना इमिजिएटली कंप्लीट नहीं होगा वो देखना है जैसे कि मैंने आयन आयन फार्म बोला था आयन फार्म कम्प्लीट अपना नहीं है बस एक आयन गोला में स्पॉन करता है अपना आयन फार्म क्योंकि मैं तंग आ गया विलेजर को ब्रीड कर कर करके पहले पहले ब्रीड करके रखना चाहिए था फिर बनाना चाहिए था जैसे कि आयरन पार्माना आता है तो मेरा मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आधा आधा छोड़ दूंगा ऐसा क्यों क्योंकि एक टाइम है ना पक जाओगे एक 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 टिप बोलता हूँ मैं कि भाई तुम कुछ भी बना रहे हो ठीक है भले मेगा हो स्मॉल साइज़ में हो कुछ भी हो पन अगर तुम्हें बोर होना चालू हो जाता है ना उसके ऊपर तो काम करना कि भाई उसे प्रोजेक्ट छोड़ देना और कोई दूसरा प्रोजेक्ट चालू कर लेना जैसे कि मैंने अभी किया जैसे कि मैंने पेड़ काट काट कर, कर तंग आ गया तो मैंने एक्सप्लोरिंग कर लेता हूँ वैसा करना नहीं तो अगर तुम चिपके रहोगे ना तो फिर मूड ही चला जाएगा गेम खेलने का मन ही नहीं करेगा ये ये बहुत सारे लोग के साथ होता है मेरे साथ भी बहुत हुआ था फिर जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना तब से तो, मैं, मैं बोलू तो ये शायद तक मेरा लॉन्गेस्ट माइंड क्राफ्ट रन है तो मैंने सवाल में मैं इतना लंबा आया हूँ क्योंकि मैं चीट करता था चीट करता था मैं गेम के क्रिएटिव चला जाता था शायद तक चीट इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था दोस्तों के साथ खेलना और सोलो खेलना दोनों में बहुत डिफरेंट है तो ये तो अब अबैंडेड है कुछ मिलेगा नहीं अच्छा खासा चेस्ट के अंदर मेरे को कस्टम विलेज बनाना है मैं कभी बनाऊंगा जरूर कस्टम विलेज मैं कास्टेल बनाऊंगा ना उसके अंदर कस्टम विलेज जरूर बनाऊंगा ही वेल्स ही वेल्स उठा लो भाई बहुत सारे अभी मैं फ़िलहाल के लिए बेस पे, बेस पे जा रहा हूँ क्योंकि मोड़ ऑनलाइन आ चुका है इसका मतलब मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता अभी क्योंकि वो सोएगा नहीं तो फिर मेरे को अंधेरे में जागना पड़ेगा मतलब रात में जागना पड़ेगा और ये होता जैक पॉट प्लेजर टावर तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास गैर गैर नहीं है तो मैं पंगा नहीं लूँगा एक बार थोड़ा क्लोज में जाके देखे क्या ज़्यादा ज़्यादा दूर ज़्यादा पास पे नहीं जाएंगे थोड़ा दूर से देखते ये है पिलेजर टावर अपने को फ्यूचर में काम आएगा अपने रेड कराएंगे मेरे को ऑनले बताओ मेरे को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया पिलेजर टावर तो मैं स्क्रीन ले लिया यहाँ पर केस में कॉर्डिनेटर भूल जाऊँ और रिकॉर्डिंग मेरे हाथ से चली जाए तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं कि पिलेजर टावर काम कैसे करता है इसके अंदर शायद तक अपने अगर, अगर समझ लो मैंने पिलेजर अंदर स्पॉन हुए और मैं सबको मार दूँ और मेरे पास बैड ओमेन आ जाए और फिर मैंने रेड करा दी विलेज में और मैं अगर वापस आऊँ तो वापस पिलेजर होगा क्या मैं अच्छे तरह से जानता नहीं हूँ वो तो टेस्टिंग करेंगे जब अपने करेंगे ना रेड कराएंगे ना तब हम लोग टेस्टिंग जरूर करेंगे काम करता है क्या नहीं करता है तब का तभी अभी चलते हैं वापस बेस पे ओके okay, तो मैंने थोड़ा लॉग और काटा और वापस मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सपी ग्राइंड करने आया हूँ क्योंकि मेरे को एंटेनमेंट करना है कुछ अच्छा सा तो यहाँ पे मैंने एक्सपी ग्राइंड किया ट्वेंटी फ़ोर एक्सपी मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है ख़त्म करो ओके okay, सर्वर लैग हो रहा है तुम देख ही सकते हो सर्वर डीले हो रहा है नहीं मैम कि सर्वर में डीले होता है क्योंकि रीज़न शायद ये ये कि भाई मेरा नेट पास नहीं है मैं राउटर पे नहीं खेल रहा भाई मैं मेरे फ़ोन के नेट पे खेल रहा हूँ तुम देख सकते हो मैंने नेट किया यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा एक तो नेविगेशन बटन इनेबल का ये कुछ चक्कर होता है कभी 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 मेरे को ऐसा लगता है मैं ऑनेस्टली बोलूँ मेरे को ऐसा लगता है जब भी नेविगेशन बटन आता है ना तो मेरा नेट का स्पीड स्लो हो जाता है तुम देख सकते हो मैं बार बार नेट चेक कर रहा हूँ क्योंकि डिले हो रहा है सर्वर में अब मरा वो सर्वर में बहुत डिले है मैं यहाँ पे मेरा दूसरे रेडमी दूसरे दूसरे फ़ोन से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया वाईफाई करके तो स्पीड हो जाए करके तुम देख सकते हो भाई मैंने अच्छी तरह से और डिस्कनेक्ट हो चुका है ओके okay, तो मैं आ गया सर्वर के अंदर वापस और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सर्वर का कुछ नाम रखूँ कोई कोई आइडिया दे सकता कोई भी मैंने मोड से पूछा था मोड बोलता पॉकेट क्राफ्ट रख ले पॉकेट क्राफ्ट सर्वर का नाम मतलब अपना जो री रे, रियलम का सर्वर है उसके अंदर हम लोग फ्यूचर में है ना इसको जरूर एक्सपांड करेंगे सर्वर को इस बार है ना देखो इस बार में मेरा सर्वर की साइज है ना तीन मेंबर तक के होल्ड ही कर सकता है मेरे को इंक्लूड करेंगे ना तो तीन मेंबर ही खेल सकते हैं सर्वर के अंदर फिर तो फ्यूचर में हम लोग एक्सपांड कर दे फ्यूचर में ग्यारह कर सकते हैं अपने जो कि सही है इस बार मैंने क्या बोलते हैं मेरा तुम देख सकते हो मेरा जॉम्बी फार्म इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं है जैसे वो होते ना वन वन कील वाला वैसा अपने नहीं कर सकते अपना बस नॉर्मल सा बनाया हुआ है बस कवर कर दिया एक जगह छोड़ दी जहाँ से अपने मार सकते बस वैसे ही किया है बाकी कुछ किया नहीं मैंने यहाँ पे ओके तो मैंने एक चीज़ भूल गया था क्या मेसा में है ना पिछली वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया मेसा में इन लोगों ने बेस बनाया है ये मूड और ये राणे ने पार्टनरशिप करके बेस बनाया यहाँ पर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है वह मेरा प्रोनाउंसिएशन पिछली बार से थोड़ा अलग है पिछली बार वाला है ना वो थोड़ा मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है भाई क्यों क्यों तुम्हें डर्ट लगा ऐसे करने की क्यों ज़रूरत थी तुमने एक चीज़ एक बार है ना थोड़ा पीछे का नाम तुमने देना डर्ट के ऊपर है ना उन लोगों ने स्ट्रॉबेरीज लगाया हुआ है क्यू तुम बस एक सैंड का ब्लॉक तोड़ के उधर डर्ट लगा सकते थे सैंड के ऊपर डर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है यार आँख में बहुत चुपता है ऐसा अरे फिलहाल देख सकते हो मेरा ट्वेंटी एट एक्सपी हो चुका है अभी जाएंगे अपने बेस पे और इंचर्जमेंट करेंगे फ़िलहाल के लिए ना मेरे पास दो तीन बुक शेल्फ कम है इसके लिए ट्वेंटी एट एक्सपी दिखा रहा है अगर मैं दो तीन बुक शेल्फ बढ़ा दूँ तो कुछ भी इंचर्नमेंट करने के लिए है ना मेरे को थर्टी एक्स दिखाएगा इसका मतलब ये है अगर तुम्हारे पास ज़्यादा बुक शेल्फ है ना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे एंचर्नमेंट मिलेंगे फॉर एग्जाम मेरे पास बुक शेल्फ थोड़े कम है इसलिए मेरा इंचर्नमेंट जो लेवल है वो खराब है इसकी वजह से मेरे को एक्सपी भी ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा ये मैंने कुछ एंजर्मेंट करते हुए मैंने कुछ नोटिस किया ये तुम भाई आयन देखो भाई बहुत तगड़ा आयन है अपने पास क्योंकि गोल्ड अपने आयन फार्म से बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे स्वॉर्ट के ऊपर मैं इंजोर्नमेंट लगा कुछ अच्छा मिल जाए ना लूटिंग थ्री जैसा कुछ वन एक बात बोलो मेरा आयन फार्म टाइम बहुत लग, ज़्यादा लगाता है स्वर्ट डालो क्या मिल रहा है शार्पनेस थी चाहिए अब अपने कंबाइन मारेंगे <laughs> ओ वो 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 शार्पनेस थ्री के साथ कुछ और भी मिला क्या ओके नाक नॉकबैक। क्या है अनब्रेकिंग फायर टू फायर एस सी टू शार्पनेस थ्री है और नॉकबैक नॉकबैक टू नॉकबैक का हायर कितना होता है नॉकबैक थ्री होता है कि नॉकबैक टू हायर होता है मैक्स क्या होता है एफिशिएंसी तो जानता है एफिशिएंसी का मैक्स होता है फिफ्थ लेवल की एफिशिएंसी होते हैं फिफ्थ लेवल तक बढ़ता है और क्राफ्ट करके देखते हैं क्या दे रहा है अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग अपने पास है सिल टच में सिल टच में शायद तक ले सकता हूँ सिल टच अपने एक पिक्स में सिल टच सही है मिल जाए तो मज़ा आ जाए काम आता है सिल टच सच बताओ तो और यहाँ पे रात हो रही मैं सो नहीं सकता क्योंकि मोड अभी ऑनलाइन है तो सो नहीं सकता रात भी उतारनी पड़ेगी ऐसी ही तो अभी भी रात है तो ये लोग तो सो नहीं रहे थे तो मैंने एक्सपी ग्राइंड कर लिया उसी चीज़ में तो टच में ले ही लेता हूँ सोच रहा हूँ ले लूँ क्या ना लूँ मन तो है लेने का अभी भी रात है तो मैं एक्सपी ग्राइंड कर रहा था ट्वेंटी एट अनब्रेकिंग भी सही होगा शायद तक अनब्रेकिंग देखते फिलहाल के लिए बैड है। थोड़ा दूरी अपने भी इसे थोड़ा दूरी जाऊंगा क्योंकि क्रीपर साले फटते हैं ना और वो निकल गए सर्वर में नहीं है ये सही है फिलहाल वाले वो सर्वर में नहीं है तो इधर पहले निकल गए मैंने नोटिस नहीं किया था ये सही है ये वाला स्वॉर्ड मेरे को सही है नॉकबैक ऊपर से फायर भी जहाँ तक मैंने रिसर्च किए फायर एसेंसी टू ई मैक्स होता है वहाँ पे मैंने थोड़ा कैरट जैसा हुआ के रखा है क्योंकि मेरे को ब्रीडिंग में ना फूड 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 कम पड़ रहा था चलो भाई ऊपर अभी सील टच डाल सील टच में लगा ही लेता हूँ अपने उसमें सील टच बिल्कुल लगाने वाला हूँ मैं लगा ऊपर सील टच हो गया सिल टच काम आएगा ऐसे मैं शवल में देख शवल में देख बहुत खटे इंच में टेस्ट मैं सोच शवल में सिल टच किस काम का आ घास्लाक उठाने के लिए याद आया देखो अब अप एक अपना एक्स में बाकी है एक चीज़ है कभी कभी भी फॉर्चून और सिल टच दोनों को कंबाइन नहीं मारते नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता मैंने बहुत पहले मारा था तो दो अलग अलग रखना का कभी भी है ना फॉर्च्यून और सिल टच दोनों कंबाइन नहीं मारते नहीं तो फिर लोचा हो जाता है ये ये ये, ये चीज़ याद रखना एक्साइटमेंट में आके कंबाइन मत मार लेना बिना सोचे समझे तो फिर पोपट हो जाएगा तो मैं बारह बकेट लेके नैदर में आया हूँ क्यों क्योंकि लावा एज अ फ्यूल मैं ये डायरेक्शन में लावा इतना जानता हूँ तो यहाँ पर बनाएंगे जरूर कुछ लावा तक जाने का यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज़ होता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा आया नहीं हूँ यहाँ पे सो so, इस तरफ आगे से ऊपर की तरफ माइन करेंगे ना तो आ जाएगा लावा का सूस सो so, अपने आ चुके भाई अब मैंने एक टनल जैसा बनाया सिक्योर बना लिया कि गैस आके उड़ाना दे तो यहाँ पे अपने लावा बकेट लेंगे भाई छी यहाँ पे नहीं मालूम की कभी कभी गड़बड़ होता है एनिमेशन तो दिखाता है कि मैंने लाव बकेट इस्तेमाल मतलब किया है वो पान भरता नहीं है कभी कभी कॉट्स मैंने शायद तक आईएनपीकेक्स पिक से माइन करके गलती किया फॉर्चून वाले से करना चाहिए था मैंने क्या किया मैंने पूरा डायमंड का जो पहना डायमंड की जो चीज़ें थी मैं सब रख के आया इनकेस क्या मैं नदर में मर जाऊँ नहीं मैं लेके आया हूँ મેકો યાદ આ મેને શીક યોર کیا تھا પાથવે ફિર પાસ ગયા થા ફિર પાસ આયા થા વો ડાયમંડ કા સ્વોર્ડ લે લીયા અપને સાથ એક ચીઝ નિકાલો इसको निकाला सबसे पहले एक चीज મેકો સ્લેબ લગાની પડેગી મે નહીં ચાહતા ભાઈ स्केलेटन स्पॉन हो ક્યુ બહુત ઉંગલી કરતે હૈ ક્યોકી યે યે બાય મે एक्चुअली કમ્બાઈન ये इस बायोम को क्या बोलते हैं जहाँ पे मैग्मा मैगमा स्पॉन पाता था उस बायोम को क्या बोलते हैं वो नहीं मालूम पर वो दोनों मे, मेरा पोर्टल है ना दो बायोम के बीच में एग्जैक्ट बीच में रखा है आधा पोर्टल है वो मैग्मा वाले बायोम पे है आधा पोर्टल सोल वैली पे है ऐसा है मेरा और यहाँ पे रात है सो जाओ तो मैं एक और बार एक्सप्लोरिंग करने निकला अपने बेस से सो तो मेरे को आइस का ये बायोम मिल गया ये सही है सबने को आइस चाहिए होगा ना अगर मैं अपने फास्ट ट्रैवलिंग करने के लिए सो इस्तेमाल करेंगे आइस इस तरह पूरा ओशन है एक्चुअली ऐसा से निकला था ये आइस वाला सही है आइस के अंदर आइस के अंदर मेरे को बाद में पता चला आइस के अंदर वेराइटीज़ है यहाँ पे जंगल है क्या क्या डार्क डार्क फॉरेस्ट है डार्क फॉरेस्ट लगा डार्क फॉरेस्ट हाँ डार्क फॉरेस्ट है जाते हो क्या ना मैं मेसा में से सैंड से उठा के जाऊँगा क्योंकि मेरे को ग्लास ग्लास चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए होगा ग्लास नहीं मालूम क्यों चाहिए पन चाहिए सर इतना जानता मोटा पोल पोलर बियर तलवार निकालो अवॉइड मार देता हूँ अवॉइड जस्ट इग्नोर मेरे को ये स्नो वाला ऐसा लगता है इग्लू है, है। पर एक्चुअली इग्लू नहीं है स्ट्रक्चर ऐसा ही बना हुआ है नेचुरल जनरेशन तो यहाँ पे हमने प्रोग्रेस कर लिए मैंने पूरा आर्मर डायमंड का बना लिया अब सब तो एंटेनमेंट कर रहा हूँ ब्लास्ट प्रोटेक्शन फोर ये सबसे हाईस्ट है मैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगाऊंगा क्योंकि इसमें देखती इसमें क्या है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ये जानता हूँ इसके ऊपर अगर मेरे बॉडी पे कोई तीर मारता है तो उसको रिफ्लेक्ट होकर उसको लगेगी सही है फोर मिल रहा है ना मैं शायद तक ब्लास्ट प्रोटेक्शन आर्मर बनाना प्रीफर ज़्यादा करूँगा क्यों क्योंकि अपने अफकोर्स नैदराइट में अपग्रेड करेंगे तो नैदर में जाएंगे और नैदर में सबसे डेंजरस चीज़ फायर है जिससे लगने के दो तरीके हैं एक है गैस जो कि फूकेगा और साथ में अपने स्प्लैश डैमेज देगा क्योंकि वो ब्लास्ट करता है ना और उसकी वजह से फायर भी बढ़ेगा तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो जब फायर करेगा ना तो अगर हीट किया तो अपने को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा इससे अच्छा ब्लास्ट प्रोटेक्शन सही है तभी तो मैं क्या करूँगा मैं पूरा आर्मर का एंटेजमेंट कर दूँगा अभी वही चलेगा अभी मैं जाऊँगा वापस स्पॉन पे जाऊँगा स्पॉन से एक्सपी बढ़ाऊंगा फिर वापस आके कर करूँगा मैं को करता हूँ मेरे को पूरा शिफ्ट करना चाहिए एंटेजमेंट का जो पूरा सेटअप है ना वो जल्दी मैं स्पॉन पर शिफ्ट करूँगा बाद में तो दोनों चंपू ऑनलाइन है और दोनों चंपू ये रहे एक वो रहा जो खुद ही खुद ही अपने उसे डैमेज पड़ा देखा क्या तुम लोगों ने और ये उंगली गिरी कर रहा है ऊपर फेंक के और खींचे ना मत बहुत मार खाएगा मेरे को याद है हम तो कॉल पे थे बात कर रहे थे खेल रहे थे कितने गरीब है अभी तक तो आयन पे लटके हुए मैं देखो मैं पूरा आर्मर का लेके रखा है मालूम है एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ईमोट्स है ना मैंने तुमने इमोट्स देखा ना अभी तो इसके अंदर बहुत सारी इमोट्स है ना वो अब अगर, अगर अचीवमेंट्स कंप्लीट हो जाए ना तो मिलते मैं ये नहीं जानता था मेरे को लगा था इमोट्स खरीदना पड़ता है माइन कॉइन से पर ये नहीं जानता था कुछ इमोट्स ऐसे जो कि अगर अचीवमेंट कम्प्लीट हो जाए ना तो मिल जाता है छः सात तक नहीं छः सात ज़्यादा हो गए चार पाँच ही है जो खुलता है यहाँ पे मैं कॉल पे था बात कर रहे थे मस्ती कर रहे थे यहाँ पे बहुत तो यहाँ पे मैं उनके बेस को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा था छत का छत की लुक उन सही नहीं थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत करना एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये ये जो छत का आइडिया ना जरूर मोड़ का होगा क्योंकि राय तो भाई गेम में अभी तक नया है उसे बहुत कुछ मालूम नहीं है उसे उसे मालूम नहीं है इसलिए मैं उसको बहुत ट्रोल करता हूँ <laughs> बहुत मज़ा आता है मेरे को तो यहाँ पे जो जि, जिस तरह का छत है ना वो ये ये मोड़ ने ही बनाया ऐसा कॉम्बिनेशन जैसा एक डार्क डार्क और स्प्रूस का कॉम्बिनेशन है ना हाँ स्प्रूस का कॉम्बिनेशन है और मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ ये लोग ये ये दोनों है ना एक चीज़ बताओ ये दोनों लोग मारा मारी कर रहे थे मेरे को याद है तलवार लेके एक दूसरे को एक दूसरे को मार रहे थे नहीं मालूम क्या हो गया? मस्ती कर रहे थे बहुत और मैं बैठ के इनका बेस थोड़ा मॉडिफाई कर रहा था बहुत मारा पीटी कर रहे थे ये लोग मेरे को याद है ये इस ये ये, ये रानी इसके लिए ऐसे इस ऊपर खड़ा है क्योंकि अगर नीचे जाता ना तो वो मोड़ जरूर मारता उसे मेरे को याद है क्या हो रहा था क्योंकि रानी ने दो तीन बार मोड़ को मार दिया था मस्ती मस्ती में तो मोड़ बहुत गुस्सा हो गया था मस्ती एक्चुअली खून खराबे में उतर आई खून खराबे हुए उतरने ही यहाँ पे आ, र, आ, राने बहुत उछल रहा था तो मैंने उसको पी में चैलेंज किया कि आज आ तेरे को पी में लपेटता हूँ तो यहाँ पे वही अपने वेट कर रहे हैं क्योंकि मोड़ भी मोड़ भी बोला मैं भी आता हूँ पी में तो अपने यहीं पे चालू हो गए पहले मोड़ को लपेटूंगा मेरे अच्छा मेरे पास आर्मर अच्छा खासा था मैंने पहले ही ऑन किया था कि तुम लोग का आर्मर देखो मेरा आर्मर देखो टपका दूंगा ये ये बहुत उंगली कर रहा था मैंने कभी पीवीपी नहीं किया इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम पड़ती है आ ये ये वाला किल मेरे को याद है मेरे को मालूम मेरा सेम एक्सप्रेशन था जो भी किया ना वैसा सेम था क्या एक हीट पे गया ये यहाँ पे हो गया एक बार हो गया बस खत्म हो गया बहुत बस्त हो गया बेचारे को नहीं तो मैं इन लोगों का आर्मर की धर्जी उड़ा देता जितना बच्चा कुछ आय आयन का आर्मर जो है ना वो भी चला जाता तो यहाँ पे ज़्यादा फाइट नहीं किया यहाँ पे एक ही बार पी हुई पी की है बस पर मज़ा बहुत आया था अपने को वो याद है अभी मैं चला अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट स्पॉन पे जाऊँगा क्योंकि एक्सपी का लग करना है टाइम आ, आ चुका है कि हम लोग अभी इसको अफिशियंस बनाएंगे मतलब स्पॉन रेट को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और अच्छी तरह से एरिया बनाएंगे किलिंग चेम्बर जैसा एक तरह का वाटर सोर्स इस तरफ से वाटर शोर्स आएगा सब प्लेस करेंगे और ब्लॉक हो चुका है नहीं ये लेयर हटाना पड़ेगा अब अपने क्या करेंगे इसे इसे हटाएंगे और मैंने यहाँ पे नोटिस किया नीचे किए हुए हैं जो कि एक पे नहीं ना ऐसे बहुत बुरा है नीचे क्यों नहीं होना चाहिए था मैसीब किए हुए थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे क्या आ, अपने बाजू में एक एंशनमेंट टेबल भी बना देंगे यहीं पे रखेंगे बुक शेल्फ एक्स्ट्रा बनाएंगे और यहीं पे रखेंगे क्योंकि बार बार मेरे को बेस पे ना जाना पड़े क्योंकि वही मेरे ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता है कि भाई पहले पहले आता हूँ मैं देखता हूँ बेस पे जाके देखता हूँ एंचनमेंट क्या है उसमें एक्सपी चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ एक्सपी जमा करता हूँ फिर वापस बेस पे भागता हूँ तो वो बहुत वो जाता है टाइम वेस्ट बहुत होता है तो यहाँ पे मेरे को मोस्ट ऑफ़ जगह को कवर अप करना पड़ेगा मैं, मैंने थोड़ा क्लिन चेबल बनाया एक एक चीज़ है ना वन हिट क्लिन चेबल नहीं है क्या होता है ना एक एक पे मारो तो हो जाए पर मैंने वैसा नहीं बनाया है ऐसे स्लैब व्लैब लगा के ऐसे बनाया क्या ऊपर जॉम्बी स्पॉन होगा पानी की फ्लो से उसको नीचे से उस डालेगा फिर एक और पानी की फ्लो से आगे की तरफ आके यहाँ पर अटक जाएगा यहाँ पे मैं बिंदास मार सकता हूँ बेबी जॉम्बी बेबी जॉम्बी से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पहला जो था उसके अंदर बेबी जॉम्बी भी मेरे को हिट कर सकता है यहाँ पे हिट नहीं है यहाँ पर मेरे को थोड़ी देर रुकना है और एक्स दबा के एक चीज़ है ना एक चीज़ मैं बहुत सही हूँ क्या भाई क्या और सिक्सटी आयन चलो गया तो गया उससे मेरे को फ़ायदा भी बहुत हुआ क्या एक तो मैंने अगर सिक्सटी यार नहीं होता ना मतलब वो ट्रेड नहीं करता ना तो मेरे को एक तो ये मॉफ फार्म नहीं मिलता मतलब ये एक्स ये क्या बोलते हैं मॉफ फार्म नहीं ये स्पॉनर नहीं मिलता और स्पॉनर स्पॉनर चलो स्पॉनर और मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता कि भाई मेरे को अभी वो बनाना है आयन फार्म तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए मेरे पास आयन कुछ कमी नहीं है आयन की कमी नहीं है पर मैं सच में चाहता हूँ मेरे को मेंडिंग मिल जाए मैंडिंग के दो तरीके मेरे को बाद में पता चला क्या आ, अपने जो एंटेनमेंट करते हैं एंटेमेंट टेबल पे मेंडिंग नहीं मिलता नो ज़ीरो जीरो चांस जीरो इंटू हंड्रेड कभी नहीं मिलेगा मेंडिंग एंटमेंट टेबल पे मेंडिंग के अभी दो ही तरीके एक तो है विलेजर्स के साथ ट्रेड करके जो कि फ़िलहाल के लिए तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मेरे को विलेजर पकड़ना पड़ेगा ब्रीड करना पड़ेगा और मैं तंग आ चुका हूँ ब्रीडिंग से अब अब नहीं होता मेरे से कौन बैठे रहेगा ब्रीड कराएंगे फिर बैठना पड़ेगा पंद्रह मिनट तक फिर बेबी बेबी विलेजर ऊपर अब है मतलब अडल विलेजर बनेगा वो सब पेन फिर इसको खिसका उसकी जगह पे वो सब पेन है बहुत पेनफुल है तो यहाँ पे एक तरह का चैम्बर जैसा बना रहा मेरे को आगे की तरफ के नीचे जाने का है ना यहाँ पे एक लैडर लगेगा लैडर लगा रहा हूँ ट्रैपडोर क्या करेंगे क्या ये जगह है ना ये जगह जैसे ट्रैपडोर नीचे नीचे की तरफ जाएंगे और लैडर से नीचे की तरफ़ एक्सपी कलेक्ट करेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी जगह बनाएंगे नीचे और एक्सपी और थोड़े बहुत चेस रख देंगे ऐसे यहाँ पे जाने का इधर मारने का इन लोग को और फिर ऊपर की तरफ है ना इसके एग्जैक्ट ऊपर एंटेनमेंट टेबल और बुक शेल्फ लगा देंगे ऐसा ऐसे किया इसको इसको बाद में मॉडिफाई करेंगे बहुत कुछ यहाँ पे ग्लीच चीज़ ऐसा बहुत है ग्ली चीज़ ऐसा नहीं मैं बोल बोलना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मैंने एक्सपीस बहुत ज़्यादा मिली मेरे को लगता है अपने पास रॉटन फ्लैश बहुत आने वाला है एक चीज़ बोल दो तो, मैं रोटन फ्लैश फेंकने नहीं वाला अब क्यों नहीं फेंकने वाला क्योंकि यही रोटन फ्लैश बाद में मेरे को बहुत सही में मदद करेगा बोले कि फ्लैश से कैसे मदद हो सकती है तो रोटन फ्लैश से यहाँ पर मैंने बेवकूफ़ी कर ली यहाँ पर मैंने जगह छोड़ दी और ऊपर से जॉम्बी स्पॉन होंगे एक चीज़ है ना नोटिस करना कि मैंने ना एक्चुअली वाटर लगाया है वाटर का फ्लो है तो मेरा जो फायर फायर वाला जो है ना वो किसी काम का नहीं है क्योंकि नॉक बैग मैं मारूँगा नॉक बैग से पीछे की तरफ जाएगा और वाटर में जॉम चला जाए तो जाएगा तो फायर रुक जाएगा वहाँ पे पेनफुल है थोड़ा बहुत हाँ रॉटन फ्लैश को है ना एक एक विलेजर है उसका प्रोफेशन क्लर्क क्लर्क क्लर है शायद क्लर्क बोलते हैं ना उस विलेजर को वो, वो चर्च जैसा होता है मालूम है विलेज में स्टोन का तो वहाँ पे ना एक ब्रूइंग स्टेशन होता है ब्रूइंग स्टेशन ब्रूइंग स्टेशन बोलते हैं ना जिसके अंदर वो अपने पोशन बनाते अगर कोई विलेजर है उस पर रख देना ब्रूइंग स्टेशन और उसको क्लर्क बना देना क्लर्क की शाह बोलते मैं जानता नहीं क्लर्क बना देना तो वो थर्टी टू थर्टी टू रॉट फ्लैश के बदले में एक एम्बरल देता है जो है कि बेस्ट डील है क्योंकि रॉट फ्लैश का भाई कोई यूज़ नहीं है ने यूजर नहीं यूज़र डॉग को ब्रीड कराने का ये यही यूज़र यहाँ पे गलती कर करिए आप करके पड़े अगर मेरे पास मेरे स्वाड के अंदर शार्पनेस और वो सब नहीं लगाता ना तो मेरे टपक तो जाता तो रॉटन फ्लैश बचा के रखेंगे अपने क्योंकि ये रॉटन फ्लैश को बाद में फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे सो so, अपने पास आ चुका है एक्सपी ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी एट अपने को चाहिए अपग्रेड करने के लिए तो अपने मेरे पास अभी भी एटीन डायमंड है क्योंकि सही है भाई फॉर्चून का पीकक्स है वो भी फॉर्चून थ्री सबसे मैक्स होता है तुम्हें क्या लगता है बहुत डायमंड देता है वो तो मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है डायमंड का मतलब प्रोजेक्ट आइल प्रोटेक्शन ले लेंगे फिलहाल के लिए कुछ नहीं है कुछ ही तो सही है ये, ये थॉन्स क्या होता है मेरे को वही नहीं मालूम बिल्कुल नहीं मालूम इसका मतलब क्या होता है काम क्या करता है प्रोजेक्ट आइल प्रोटेक्शन वो मैं जानता हूँ बेसिकली करता क्या है कि समझ लो तुम लोग की तरफ दो तीन स्कैलेट ठीक है तुम लोग को एरो मार रहे हो तो चांसेस से क्या हुआ है रो डिफ्लेक्ट होकर उनको ही लगे और अपना डैमेज कम हो जाएगा सब पेंट्स में क्या दे रहे है वो देखते प्रोटेक्शन थ्री बकवास है अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग सही है क्योंकि फिलहाल फिलहाल के लिए अपने पास नहीं है तो अनब्रेकिंग लगाएंगे अब ये ये जो है ना ये सब निकाल देंगे अब मेरे को पता चला गया मेरे को है ना मेरे एक्स में ना वो दे रहा था सिल टच तो मेरे को समझ में नहीं आ गया सील टच क्यू सिल टच एक्स का सिल टच से क्या काम तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया क्या काम है जगह मैंने बुक शेल्फ तोड़ा तो मेरे को बुक शेल्फ नहीं मिला उसकी जगह मेरे को तीन ब्लॉक मिले तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा प्लैंक्स वेस्ट हो गया अगर पास मेरे पास फिर पीकेस में मतलब मेरा पीकेक्स नहीं सॉरी मेरा एक्स के अंदर तो सिल टच होता तो मेरे को वो बॉक्स मिलता मतलब वो लाइब्रेरी का क्या बोलते इसे क्या में खुद भूल गया अभी अभी ये सब ले जाएंगे और वहाँ पे लगा देंगे तो प्लैंक्स वक्स बना लेते क्योंकि बुक शेल्फ हाँ याद आया <laughs> तो बुक शेल्फ बना देंगे अपने अच्छे खासा और वहाँ पे जाके प्लेस करेंगे सो so, ये एक मेरा एक मालूम ये मेरा एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट था जो कि शायद तक मैंने कम्प्लीट नहीं किया फ्यूचर में भी कम्प्लीट नहीं किया ये इनकम्प्लीट है तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट क्या था मैं बताता हूँ एक टनल है जो कि मेरे बेस से स्प्रूस जहाँ पे मैं लॉक कलेक्ट कर रहा था उस जगह को कनेक्ट करती है मैंने प्लान बनाया था और उस जगह से वो आ, मोर और रानी का जो मीसा में बेज है उससे कनेक्ट होता है और फिर वहाँ से स्पॉन पे कनेक्ट होता है ऐसा मैंने आइडिया बनाया था इसके लिए मैंने माइन किया तो ज़्यादा ब्लॉक नहीं माइन किया था पर मैंने माइन किया था मैंने सोचा था कुछ ऐसा बनाऊंगा करके और मेरे को याद आया कि ग्लास क्यों चाहिए था क्योंकि इसके माइन करते हैं तो आगे जाके पानी आता है ये सब ना तैर तैर के जाते हैं ना स्प्रूसरूस स्प्रूस प्रूस, प्रूस वाली जगह पे तो ग्लास और स्पॉन पे भी तैर के जाते हैं मैंने क्या सोचा था कि एक टनल जैसा बनाऊंगा ग्लास जैसे पानी आएगा ना तो ग्लास रख देंगे और रेलिंग्स डालेंगे रेलिंग्स क्योंकि मेरे पास अभी आयन बहुत है अपने आयन फार्म से इतना अच्छा खासा आयन तो प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पर एक घंटा ए एफ के हो जाओ तो दो दो स्टैक तो बन ही जाता है अपना तो आयन तगड़ा है मिलता है वहाँ से टाइम ज़्यादा लेता पर मिलता अच्छा खासा आया ने तो सोचा प्लान था कैसे कनेक्ट करेंगे बेस को और रेलिंग्स लगाएंगे और गिलास ग्लास लगाएंगे तो अच्छा लगेगा ट्रैवलिंग में ये एक्चुअली इसका आइडिया क्या था कि अपने रात में ट्रैवलिंग करने के लिए क्योंकि सुबह में कोई प्रॉब्लम है पर रात में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है जॉम्बी स्क्रीपर वो सब के उसके उसकी वजह से तो प्लान वही था सो so, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो यहीं पे बंद करते और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में